राहुल गांधी जी कोई एक सीट गठबंधन के तहत पप्पू यादव राज्यसभा से आप शरद जी को भेज दें, शरद जी और जगह जीत जाए, अन्यथा दोनों सीट में से कोई एक सीट पर मुझे फ्रेंडली फाइट करने का दें। लेकिन मैं यह घोषणा करता हूं यदि गठबंधन का कोई हिस्सा नहीं हुआ तो पप्पू यादव 28 तारीख को मधेपुरा से हमें जिस तरीके से लात मार के गाड़ी से भगाया जा रहा है हम वहां, और 26 तारीख को पूर्णिया हमें यदि आप गठबंधन का हिस्सा से अलग करेंगे लात मारेंगे तो हम उस कोसी की जनता का बेटा बनकर और पूर्णिया का बेटा बनकर हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये लड़ाई पूर्णिया और कोसी के बुजुर्ग और नौजवान के हाथों में होगी, फिर वो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं आज भी अपने को तटस्थ करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि गठबंधन एक जो वर्तमान में सांसद है, किसी भी सांसद की टिकट आज तक नहीं काटी गई और कोई सांसद अपने परंपरागत सीट को नहीं छोड़ता, लेकिन गठबंधन धर्म के लिए मैं मधेपुरा सीट की कुर्बानी दे सकता हूं यदि महागठबंधन कहीं ना कहीं पप्पू यादव को हिस्सा बनाता है तो, या पुनः सेकेंड सीट मेरी पूर्णिया, मधेपुरा में से ये दो सीट पप्पू यादव का घर है, इस दोनों में से कहीं ना कहीं पप्पू यादव को आप एकोमेंडेट करिए। ये आप साइबर पक्षी को मत लाया कीजिए, जिसको राजद के वोटर और गरीब के वोटर का मिजाज का, माइनोरिटीज के दलितों का, नुनिया का, चौधरी का, मंडल का, धानू का, जसवाल का, पासी का, जादव का, गोरी का, ऐसे वोटरों का पता नहीं, वो सिर्फ हवाई हवाई की राजनीति मध्य प्रदेश वाले अन पैसे वाले लोग करते हैं। यह घर, यहां का अधिकार मुझ पर, पूर्णिया और मधेपुरा कोसी का अधिकार मुझ पर गरीबों का है, युवाओं का है, और वो तय करेगा कि कोसी और पूर्णिया कहां चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज किसी भी कीमत पर यह तय हो ताकि हम कोई ना कोई निर्णय लेकर के, लेकिन ये मेरा अंतिम निर्णय है कि मधेपुरा से 28 और पूर्णिया से 26 वो एक सीट यदि आप हमें देते हैं, इस दोनों तिथि में से कोई एक दिन पप्पू यादव का नॉमिनेशन और तीसरा आप गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो फिर मेरे जो यूथ है, मेरी जो पार्टी है, मेरे जो बुजुर्ग मजबूती के साथ गठबंधन के साथ खड़े होंगे। बहुत